पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 22 जुलाई को एक ही दिन में रिकॉर्ड 30 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भदोही वासियों ने कुल लक्ष्य 13,19,426 में से 11,05,967 वृक्षारोपण कर सहभागिता प्रदान की। जनपद भदोही के विकासखंड सूर्यावा अंतर्गत ग्राम पंचायत सनातपुर से बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जनपद प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आंवला का वृक्षारोपण कर किया। शासन से नामित जनपद के नोडल अधिकारी समीर वर्मा ने पाकड़ का पौधारोपण, सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने आम, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पीपल, DPRO राकेश यादव और ADO पंचायत सूर्यावा मनोज मौर्या ने संयुक्त रूप से आम का पौधारोपण किया। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, DFO नीरज आर्य सहित जनपद के अन्य प्रतिनिधिगण, सम्मानित जनता जनार्दन, अधिकारीगण, स्कूली बच्चे एवं जनता जनार्दन ने भी वृक्षारोपण कर धरती का श्रृंगार किया। इस अवसर पर जनपद में वृक्षारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं राष्ट्रपति पदक अशोक कुमार ट्री मैन ऑफ भदोही, योग गुरु संदेश योगी, गायक राजेश परदेशी, उपायुक्त मनरेगा राजाराम रेंजर श्री पटेल जी को प्रशस्ति पत्र देकर माननीय मंत्री ने सम्मानित किया। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज परसीपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय पांडे के नेतृत्व में उनके कॉलेज से NCC कैडेट व छात्र छात्राओं ने माननीय मंत्री व जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए स्वयं वृक्षारोपण किया और लोगों को वृक्षारोपण के जागरूक किया। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आज 30 करोड़ पौधे लगाने का जो संकल्प लिया गया था, भदोही में कितने पौधे लगाए गए हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान 2023 का कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में आज पूरे धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जनपद भदोही का प्रभारी मंत्री होने के नाते आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ भदोही के माननीय सांसद, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, विधायकगण, जिले के अधिकारी सभी लोग मौजूद हैं। लगभग 14 लाख वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भदोही भी 14 लाख वृक्ष लगाकर इस महाअभियान में शामिल हो रहा है। तमाम नौजवान, जनपद के वृद्धजन, जनपद के जनजन इस महाअभियान से जुड़े हैं और हमें बहुत हर्ष है, खुशी है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जो मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं। सर, भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ जो मोरवा नदी का पुनरुद्धार का कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, इसके पहले अर्घा खौरी जी ने भी वहाँ पे कार्य किया था और आप भी लगातार श्रमदान कर रहे हैं, तो ऐसे जिलाधिकारी को लेकर क्या कहेंगे, इनके नेतृत्व में किस तरह से भदोही विकास की ओर जा रहा है? देखिए आज जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन, हर जनपद के जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के अधिकारी सभी लोग कर्मठता से काम कर रहे हैं। भदोही जनपद के भी जो हमारे जिलाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, नदियों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, समाज के लिए सेवा भाव से काम, यही हमारी सरकार का लक्ष्य है और हम सब ईमानदारी से उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपके पूरे देख रेख में यहाँ पे कार्य संचालित हो रहा है, जो पौधारोपण किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, वृक्षारोपण वर्ष चल रहा है, समय चल रहा है वृक्षारोपण का और हमारे रेंज में 1,48,000 पौधों का रोपण होना है जी, जिसमें आज की तारीख में 95% रोपण होगा और 5% 15 अगस्त को होगा। जी सर, जो आज का कार्यक्रम हुआ है पौधारोपण का, जैसा कि देख रहे हैं पूरा बृहद रूप था और माननीय मुख्यमंत्री का भी यहाँ पे उद्देश्य 35 करोड़ पौधारोपण का, तो आज जो कि भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर ने बड़ा योगदान दिया है, देख रहे हैं पूरे बच्चियाँ भी आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षा के अनुरूप रहा और इसमें हमारे जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी साहब का विशेष दिशा निर्देशों के अंतर्गत पूरे जनपद के लोगों ने एक मिशन के तौर पर इसको लिया और मिशन के रूप में लेते हुए माध्यमिक शिक्षा से हम सभी को आमंत्रित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय ने हमारे जिला विज्ञान निरीक्षक महोदय को कहा था कि आप अपने बच्चों को लेकर के वहाँ उपस्थित होइएगा। उसी क्रम में मुझे जिला विज्ञान निरीक्षक महोदय ने अपेक्षा की मुझसे कि मैं अपने बच्चों को लेकर उपस्थित हूँ। मैं अपनी NCC के कैडेटों के साथ आज इसके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपस्थित हुआ
और सनातपुर के इस पवन धरा पर वृक्षों का जो वृक्षारोपण हुआ है उससे मैं अभिभूत हूँ। बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि जो पौधे लगे हैं वो बचें और यहाँ के लोग उसको जो है जिम्मेदारी पालक का लेकर के 2.5 वर्षों तक सेवा देंगे तो वो पौधे हमेशा जो है हम सभी को सुख प्रदान करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सृष्टि दुबे। सृष्टि जी, क्या कहेंगी जब से अजय पांडे जी प्रधानाचार्य बन के भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर में गए हैं तो वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगी? वहाँ की व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है और जब मैं स्कूल में आई तो फिर सर ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, कैसे बोला जाता है ये सब चीज़ें, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज है। पैसे तो कम है लेकिन खूबियाँ बहुत है उस स्कूल में, और प्रिंसिपल सर की खूबियों को तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो शब्दों में बयां नहीं किए जा सकती। और जब से मैं उस स्कूल में गई तब से ही मैं जिला स्तर में हर जगह में मैं पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ और सर के आशीर्वाद से ही मैं हर जगह प्लेस भी ला रही हूँ। बस वहाँ एक ही कमी है कि मैंने इस साल 10वीं की परीक्षा पास की है जिसमें मेरा 93.5% था, और सर ने पूरा कोशिश किया कि हमारे स्कूल में साइंस की मान्यता प्राप्त हो जाए। उनकी कोशिश तो अभी बरकरार है लेकिन कुछ ऐसी भी, मतलब साइंस जाने के लिए कमरा भी होना चाहिए, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अब सर अपने पास से कितना पैसा लगाए, लोगों से भी बहुत सी चीज़ मांगी। मैं सरकार से ये चाहना चाहती हूँ कि भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में साइंस की मान्यता प्राप्त हो क्योंकि वहाँ से बच्चे को फिर दूसरे जगह जाने में बहुत भटकना पड़ता है। मैं भी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी मैंने वहीं पर एडमिशन करा, साइंस छोड़ दिया। थैंक यू। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ को लेकर के, डीएम साहब और यहाँ मंत्री साहब भी आए हुए थे और पौधारोपण किया गया, क्या कहेंगे? आज इस पौधारोपण के लिए जितने भी अधिकारी जितने कर्मचारी आए हुए थे, हमारे जिला में प्रभारी मंत्री महोदय आए थे और यहाँ के डीएम गौरांग राठी जी आए हुए थे और जिला अध्यक्ष अनुरोध त्रिपाठी भी आए हुए थे। हम सबका अपने ग्राम सभा के लोगों के तरफ से अपने तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और यह खुशहाली का आज महोत्सव था और इस हरियाली को बनाए रखने के लिए सभी ग्रामवासियों से हम अपील करते हैं कि सभी पेड़ों को सुरक्षित रखें और उसका व्यवस्था करें ताकि हर पेड़ सुरक्षित रहे, ताकि अपने देश अपने गांव का विकास हो और तरक्की हो। थैंक यू।